ये देखिए सुबह सुबह मेरे घर में किसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। क्या मंगाई शिवानी? बोल, सेरेमिक बोल। किस लिए? ये मैगी वगैरह खाने के लिए। तो ये सेरेमिक बॉल आ चुका है। बोल, मैगी, चाउमीन, हक्का नूडल्स, सूप्स। शिवानी ये देखो तो इसमें कुछ ऐसे इस टाइप का, देखो ना वो दीदी वो है। नहीं 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 इसमें हाँ। देखो ये नहीं टूटा नहीं है दीदी, टूटा नहीं है, डिजाइन जैसा लगा। हाँ, वो पेंट का है लेकिन इसमें नहीं है। क्या पता ये डार्क। सो यही सारी चीजें आ चुकी है। कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हैंडमेड है। अच्छा सही है। बाय बाय करो। बाबू चला गया, चला गया, तुम जाओ। हाँ प्लीज। अच्छा जल्दी से करो। हाँ ना, बोलेंगे क्यों डाल दी मेरा। कौन लाया मेरे लिए? जीजू के पास हल्का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत प्यारा है। क्यों क्या लगा सर्दी लाए? तो पहली बार कौन खरीदा, कौन है जीजू? तो सोच नहीं सकते। सोच लेना भी आज के टाइम में। अच्छा ग्रीन बिंदी भी आ गया। थैंक यू। पहले हाँ नहीं नहीं अभी पहनो ना। पहन अब खत्म ही होने जा रहा, अब मंदिर का भी वेट करेगी सब, तो पहन ही नहीं पाएगी। यही साइज है ना तुम्हारा? हाँ, बताओ जीजू को सब पता था। जीजू को कुछ नहीं। कैसा लग रहा है? अब बिंदी भी लगाओ। हम बोले पूरा दुनिया पहन लेगा, मेरी बहन ही सबसे लास्ट में रह जाएगी। इस पर ऐसे ही हुआ ना? पर सावन में तो कंपल्शन है ना। हम इस बार सोचे ना, आज हम क्या सोचे कि अब हम नहीं लेंगे। क्यों? तो ना, हम सोचे आंटी को दे दिए थे तो, और मेरे पास कुछ था ग्रीन कलर का, हम सोचे वही। तुम इतना बड़ा सैक्रिफाइस करी थी पिंकी दी। हम सोचे कौन जाएगा लाने के लिए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ खाने का रहेगा तो तुरंत चले। बोलते हैं जीजू कि आप कौन पहनता चूड़ी उड़ी। हमने जीजू आप कहाँ जी रहे, हमको समझ में नहीं आता आप कौन पहनता चूड़ी उड़ी। इसीलिए तो हमको कुछ पहनना। हम बोले साड़ी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब तो मेरा मुश्किल। बोले सब बकवास चीज है। तो जींस पहनो, टॉप पहनो और हाफ पैंट पहनो। फुल पैंट भी पहन लो तो दिक्कत। अभी तक आदमी लोग इंडिया में जीते, तब कहाँ जीना चाहिए। आज हम पता है हमको क्या बनाने का मन है, हमको आज पुलाव बनाने का। आज रात में कुछ नहीं खाएंगे। हाँ। तो तुम बनाओ अच्छे से और खाओ। नहीं खाओगे? हम तो नहीं खाएंगे। फिर नहीं बनाएंगे? फिर नहीं बनाएंगे। तो पनीर क्यों नहीं बोली लाने? पनीर पुलाव बनाते ना। हाँ, पनीर वाला ही बोल रहे थे, मटर पनीर। बताओ पनीर है ही नहीं? नहीं जाके लाते हैं। नहीं पूरा महक जाएगा चावल। एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत रिफ्रेश हूँ, फ्रेश हूँ। मैंने आजकल मैंने क्या किया है, मैं शाम में हेयर वॉश करती हूँ, दिन में नहीं करती। और मेरे लिए चूड़ियाँ जो आई आपने देखा ही, मैंने पहन लिया। इस बार मैंने सोचा था कि मैं नहीं पहन पाऊंगी, लग रहा है मेरे आलस के कारण है। स्टार्टिंग हम शिवानी को बोले थे, शिवानी आजकल 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 कर रही थी। उसके बाद से क्या हुआ कि हम बोले कि आंटी को भी देना था, तो मेरे पास एक ग्रीन एक चूड़ी का डब्बा था, हम दे दिए आंटी को आज। और फिर हम सोचे कि ठीक
ठीक है आप हमको क्या है, हम एक और है मेरे पास, हम पहन लेंगे। तो फाइनली मेरे पास आ गया है, तो हम पहन लिए तीन तीन। और मेरा कुछ अभी फ़ैन बंद करो ना, और बिंदी भी लगा ली है, बिंदी भी मेरे को ग्रीन आ गया है। सो और बताएं, और अभी बोबो चला गया है बर्थडे में, और मुझे आज पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है, ये लोग रिफ्यूज़ कर चुके हैं, बोल रहे हैं पुलाव नहीं खाएंगे। तो अब नहीं लगता है बनाना पड़ेगा मेरे को ऐसा कुछ। तो भी एक दिन अगर हम दाल ना खाएं ना, तो मेरे को दाल की बहुत क्रेविंग होती है। सो अभी देखते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं। नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अकेले के लिए कौन बनाएगा, इतना मेहनत कौन करेगा। और बोबो का दूध निकाला था तो बोबो दूध पिया नहीं है। सो अब देखते हैं क्या करते हैं, और खाना क्या बनेगा भगवान ही जाने। सो अभिषेक जा रहा है बाहर, कुछ काम है। एक सेकंड हम भी जाते हैं, एक मिनट। अब ये बोलो फाइनली पनीर के लिए जो चीज चाहिए था हम लेकर के तो आ गए हैं। मतलब पनीर के लिए चीज नहीं चाहिए था, पुलाव के लिए। तो हम सोचे हैं, बहुत दिन से मेरा मन है कि हम पुलाव में पनीर डाल के बनाएं। और यहाँ पे मेरे को बीन्स नहीं मिला, टमाटर है और परवल ले लिए हैं, भिंडी ले लिए बोबो के लिए, और मिठाई है, और क्या ये मेन फ्रोज़न मटर नहीं था तो फ्रोज़न मटर भी लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ले लिए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम बनाते हैं राइस। और मेरे को एक आज बहुत 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 अच्छी चीज़ मेरे को गिफ्ट मिली है। तो देखो 9 बज रहे हैं मेरी घड़ी में। मेरे को शिवानी एक बहुत ही अच्छा सा चीज़, तुम देखे अभिषेक क्या आया है, क्या आ गया है? कैसा लगा? इससे भी बड़ा। अच्छा बोल, मतलब 3 सेट वाला बोल, बोल है जो मैग्नेशन के लिए काम आता है। तो ये तीनों शिवानी मेरे को आज मंगा के दी है। मतलब आज मेरा दिन बहुत अच्छा है कि मेरे को इतना सारा चीज़ मिल रहा है। तो इसका ये फुल 3 सेट है। एक मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से का। तो एक ये बोल है, एक ये बड़ा वाला। मतलब हम बिरयानी बनाते हैं या कुछ भी चीज़ मैरिनेट करते हैं, राइस फुलाते हैं, तो उसके लिए हमें भगोना वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा सा कंटेनर है, या कुछ मिक्स कर रहे हैं। ये एक ये है, सेम है, और एक ये छोटा वाला है। तो ये भी ऑप्शन हमको सही लगा। जैसे चिकन तंदूरी बनाना है तो मैरिनेशन चाहिए, तो मेरे को कैसा होता है, मेरे को आटा मैं जिसमें गूंथते हैं वो करते हैं, तो अब मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास प्रॉपर एक एक कंटेनर है जिसमें हम मैरिनेट कर सकेंगे। तो ये काफ़ी क्लासी और बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे को तो ये बहुत पसंद है, थैंक यू। ये मिल गया, और ये रही मेरी यहाँ पे सारी चीज़ें जो मेरे को अभी लेके आए। तो ये सब चीज़ें जाएंगी फ्रिज में। ये अभिषेक का मिठाई है, ये है भुट्टा हमारा फेवरेट अभी इस टाइम में, और ये हमारे घर में है सबका फेवरेट। मतलब संडे को आया था, संडे के बाद अभी फिर से खत्म हो गया। खत्म कहाँ हुआ है, अभी वहाँ पे है। उस दिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग शाम में गए थे, रात हो गई थी एक्चुअली। हम लोग जब आइसक्रीम खाने के लिए निकले थे तब हमने लिया था, तो ये वाला। तो और अब ये बड़ा वाला लेकर के आ गए। तो ये बड़ा वाला मेरे को अच्छा लगता है, छोटा वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ है। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं। और फिर लगा रही हैं वो वाला कवर बेडशीट का, जो मेरे वॉल से मैच है, बहुत प्यारा। ऐसा लग नहीं रहा है कि कवर सिलवाएंगे। हाँ, अच्छा सेट हो जाएगा, अभी दिखाते पूरा बिछा के। हाँ पूरा बिछा के दिखाएगी। हाँ, अच्छा है। अब बोबो जी अभी तक नहीं आया है। सो ये आया था, स्टिच करने दिया था, जो बहुत दिन बाद ये कपड़ा जो बचा था वो भी दे दिए। हाँ, बोले ना कि देखिए कुशन नहीं बन रहा, हम लोग बोले थे ना बचेगा तो कुशन बना दीजिएगा, बस नहीं बचा। अच्छा, क्योंकि पूरा घुमाना पड़ता है ना, इसमें चूनट होता है, ये अच्छा कपड़ा लग जाता है। पर दीदी ये ज्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, अब ये चेंज हो जाए पूरा, फिर ये मेरा पूरा ये मेरे वॉलपेपर के कलर का है। और ये जी चलो फिर। सो ये लो देख लें, जो करना है कर ले, तब तक हम फटाफट से यहाँ पे ना अपना किचन समेट रहे हैं, और फिर उसका तैयारी कर लेते हैं। ये लोग बोल रहे हैं फ्रूट्स कट करने, तो फ्रूट्स करके कट करके दे देते हैं। तो सारी चीज़ें करके फटाफट से अरेंज कर देते हैं। कट कर देना फ्रूट। यहाँ मेरा ये पूरा बॉयल वगैरह कर दिए। अब देखते हैं, अगर इतना पनीर का जरूरत पड़ेगा तो इतना डालेंगे, और नहीं तो फिर बहुत ज्यादा है हमको लगता है। हाँ, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ा डालोगे तो बहुत भर जाएगा। तुम लोग को ठग के लाया है। ठग दिया थोड़ा सा। ओ
पर अच्छा मिल गया बड़ा वाला। हाँ, आपको बड़ा वाला ही अच्छा लगता है, छोटा वाला कट करते करते दिमाग खराब रहता है। मैं तो खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। पर दीदी आज सारे ठेला पे नहीं बड़ा वाला मिल रहा था, और जानती हो फुटका का दाम पूछे कितने का पता है? 600 रुपीज के जी। ठीक था ना? ठीक है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। एक दिन तुम लोग पूछी थी 1200 बता रहा था। नहीं, जो जैसे बर्ज बनाया है ग्रेडी में, हमको मशरूम से बेहतर लगता है, और पता नहीं क्यों, मतलब सावन का मटन है भाई। हम मटन, हाँ वही बात है, मटन खा लेंगे, पता है तुमको? सबको क्रेविंग होता होगा। हाँ, अभी कटहल तो मिलता नहीं है, एक महीना इतना क्रेविंग होता है। नॉन बोल रहा था कि नॉन वेज खाने का मन कर रहा है, लेकिन अब बनाने में दिक्कत हो जाता है खाना। हम सोच नहीं पाते क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया, तो याद आता है कि नॉन वेज बनाते थे। वो आराम से मेरा 2 दिन चल जाता है। फ्रिज में वो तो फिर वो पर खीरा भी है दीदी? खीरा नहीं खा। और ये आलू इसी में है? वाह 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 वाह, सब डाल दिए ना इसी में, मतलब उसके लिए भी है, पुलाव के लिए। तुम दिखाइए हम तुम के दिए बताएं हम, लेकिन हम नहीं सोचे थे इतना अच्छा कि तुम बोली किचन का होगा, तो हम दीदी को कुछ दिन पहले बोले कि तुम मेरे ऑर्डर लिस्ट चेक मत करना, हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट मंगवा रहे हैं, तो बोली ठीक है। तो नहीं चेक की थी, हम चेक करेंगे, फिर भूल गए थे। बहुत अच्छा, हमको पता था इसको बोल देंगे ये भूल भी जाएगी। तो फिर आज सुबह आया। नहीं, तुम इतना प्यारा प्यारा मेरे को ये सब गिफ्ट कर देती, हम सोचते ही रह जाते हैं। हम बहुत होता सेरेमिक का लेते, हम ये नहीं सोच पाते कि हमको ये वाला लेना है। सेरेमिक बोल तो यहाँ पर है, ये भी बहुत अच्छा। कहाँ? वहाँ रख दी दीदी, हम जानबूझ के रखे थे। हम वहाँ इसलिए रख, यहाँ पे हमको लगा कि बार बार जाना निकालना, यहाँ पर दो रख दो, इसीलिए हम ग्लास उधर कर दिए, इधर सिर्फ बोल के लिए छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, और एक जो विशाल से लाई थी वो भी निकाल दो। पनीर भी चाहिए? रेडी स्टडी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो ये आप लोग का प्लेट रेडी स्टडी हो गया। ये बच्चा पार्टी से आने के बाद जो डब्बा लाया है वो खा रहा है। इतना चॉकलेट मिला, वेरी गुड। चलो अब स्टोरी याद करो बेटा, कल स्टोरी टेलिंग है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा तुम ही लाया होगा। हाँ, पता था। चलो, तुम्हारा मोबाइल है, तुम चार्ज ज्यादा चार्ज हो गया? नहीं, हो गया। कितना है? 105 बोले तो। तुमको पता है ये मेरे साथ पड़ा है? तुम खुद से चार्ज में लगाई थी ना, तू भी शुक्रगुजार हो गया होगा। चलो मेरी मालकिन स्टोरी वाला कराने लगे ना कल, उसका स्टोरी कंपटीशन है, तो मेरे पे आके ना बरसता है। हाँ, मेरा कंपटीशन था, आप मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करा, ये नहीं करा तो आज तो वो एब्सेंट। तुम्हारा जो बाल जो न्यू आ रहा है ना, एकदम वो हो गया है, खड़ा हो गया है। हाँ, क्या हो रहा पता नहीं, वो तो इसके नीचे जाएगा ना वो ठीक हो जाए। स्ट्रेटनिंग कराने सोचे हम, बिल्कुल नहीं। तो तुम हम बोले ना सबसे मुसीबत से अच्छा है फिर से स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं। याद कर लिए स्टोरी? कल कंपटीशन है बोबो का ना, स्टार्टिंग कैसे करना है बता ना थोड़ा, स्टार्टिंग कैसे करना? स्टार्ट करो मैम, लोगों कैसे करोगे? चलो अच्छा हुआ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, हिंदी का है तो हिंदी का। कौन है भाई? बहुत तकलीफ है, ये हाइपर करके रखती है। हाँ हाँ हाँ, ये सज्जन की। हाँ, अगर हो तो सज्जन बोलना। सज्जन? अच्छा, अगर हो तो सज्जन। अच्छा अच्छा, तो ये सज्जन की। हाँ, क्या तकलीफ भाई इनको? बहुत तकलीफ, क्या तकलीफ है इनको? इनको कैसे हो गया इनको? हमेशा तकलीफ ही रहती है इनको, ये चैन से जी नहीं सकती इनको। दस्त है क्या? चलो दस्त है,
सौ काम रहता है। ठीक है बेटा, तुम अभी नहीं तकलीफ रहता तो तुम पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते। हाँ मम्मा, वन आवर में कैसे तुम्हारे रेडी करवाई है ना। हाँ जी, खूब कैसे रेडी करके दे दी। सही बात है, अगर हम पैनिक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अब वो राखी गिफ्ट क्या दे रहा है मौसी को? तुम क्या? नहीं हम तो कुछ नहीं कर देंगे। मौसी को राखी गिफ्ट क्या देगा सोनू बेबी? नहीं बताएगी। चिटिंकोर, मौसी बोल दी सीक्रेट है इसीलिए तुम भी बोल रहे हैं ना। मौसी भी दे रही है भाई पिंकी दी, पर ये सीक्रेट है। ऑर्डर हो गया है? नहीं नहीं अभी कैसे, डेट कितना हो गया? नहीं आ पाएगा। नहीं आ जाएगा, हम डेट देख रहे हैं क्योंकि पहले आएगा तो रहने नहीं देगा ये। तो हम एक दो दिन पहले हम डिलीवरी डेट देख के मंगवाएंगे। ये अभी ओपन हाउस हुआ नहीं है, पिटाई भी पड़ेगा और कैंसिल भी हो सकता है। मैं पूछे क्या मास लाया है, क्या किया है, बात हुआ। हाँ मैं बोली ठीक है लेकिन अब वो को कॉल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे बेटा। अरे दीदी ये हड़बड़ गया है, घर में टेस्ट लेती हूँ देखती ना कैसे हड़बड़ में कुछ छोटा छोटा गलती कर देता है, जो पता है वो भी वही हड़बड़ करता है वहाँ पे भी। ये पुलाव सो पुलाव को थोड़ा थोड़ा सा ना फ्राई कर रहे हैं। पुलाव फ्राई होने के बाद क्या होगा, इसमें जाएगा ये पनीर और फिर कोशिश कर रहे हैं पहली बार पनीर डाल के बनाने का। मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी लेकिन फिर अभी जा कर के हम बहुत दिनों बाद आज ट्राई कर रहे हैं। और सच बता रही थोड़ी गर्मी हो गई है, गर्मी फिर भी आज थोड़ी बारिश हुई है लेकिन इस बार मैंने जितना बारिश एक्सपेक्ट किया था ना उतनी बारिश नहीं हो रही है। बहुत मुझे बारिश सबसे ज़्यादा पसंद है, घर में बैठो और बारिश का मज़े लो, सबसे ज़्यादा कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन इस बार इतनी बारिश हो नहीं रही है, पता नहीं क्यों, दो साल बहुत बारिश हुई है फुल लॉकडाउन में, जो बारिश का मज़ा। और सच बता रही हूँ जो वेदर रहा है ना वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ बन जाए मेरा पुलाव फटाफट से। और ये मटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल कर दिया था तो ये रखा हुआ है, तो हो सके तो बोबो को अगर सुबह आलू का भुजिया बनाऊंगी तो उसमें मटर में डाल दूंगी, या फिर देखते हैं जो उसको पसंद होगा वो करेंगे, क्योंकि उसका बहुत नाटक होता है लंच के लिए, ये दो वो दो वो दो वो दो नहीं दो ये दो जो भी होता है। तो चलिए फिर ये फटाफट से हम पुलाव बनाते हैं, बोबो को खाने के लिए देते हैं क्योंकि बोबो को मैंने स्टोरी करा दिया है, अब ये कल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा। और अभिषेक लोग बैठे हुए थे बात कर रहे थे, बोले थे अरे तुम बैठ जाओ थोड़ा सा थोड़ा। मेरे को ऐसा लगता है अगर बच्चा आपका इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में तो यू शुड गिव सम टाइम्स, तो इसीलिए मैं करवाती रहती हूँ उसको पार्टिसिपेट। समटाइम्स मेरे से बहुत एक्चुअली कैसा होता है ना, मतलब पूरे साल में अगर 20 कॉम्पिटिशन है तो समटाइम्स मेरे माइंड से भी मिस हो जाता है, लेकिन वो उसकी क्या इच्छा होती है वो 20 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा करना चाहता है। लेकिन हाँ कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाते हैं अपने कारण से, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं हमेशा डेट रिमाइंड कर रखना चाहती हूँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ मैं अपने किचन में ये स्टिक कर दूंगी कि इस मंथ में कितने कॉम्पिटिशन होने वाले हैं। तो अभी इस बार फिर उसका स्पीच कॉम्पिटिशन है तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, हिंदी स्पीच इंग्लिश स्पीक, तो मैं सारे कॉम्पिटिशन में उसको पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि मैं बचपन में थी तो मुझे बहुत स्टेज फियर था और मुझे कभी फ्यूचर में नहीं पता था कि मैं कभी स्पीकर बनूंगी। तो दोनों चीज़ें हैं, आपको नहीं पता होता है, बच्चे अपनी अपना खुद से रास्ता निकालते हैं, तो ये हमारे साथ हुआ है और मेरे बच्चे के साथ ऐसा है। मेरा ऐसा सोचना है कि वो जो करना चाहता है तो एटलीस्ट हमें थोड़ा इनिशिएट लेना चाहिए। तो चलिए फिर मैं फटाफट से ये पुलाव कर देते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। रेडी, एक्चुअली ना बोबो का सब कुछ है इसमें, पनीर है, भोग दे रही हो कैसा है? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। बोबो पनीर है, आलू है, आलू भी है। फोटो ले रहे हो? बाप रे, चल चल खा।